नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास थर्ड के लिए आज फोर्थ और फिफ्थ पेज करेंगे। देखिए, ये मेरे पास पुरानी बुक है और मैंने स्केच बुक पे पहले से बनाया हुआ है। तो पेज नंबर फोर में हमारे पास पहले से ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है और हमने इसके पीछे स्केयर बनाना है। तो आपने स्केल नहीं यूज़ करना है और कोशिश करनी है कि जैसे भी बनता है आपने वैसे स्केयर बनाना है। इस तरह से थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, पर आप स्केल नहीं यूज़ करेंगे, हाथ से ही बनाएंगे। और देखिए, एक सर्कल भी है, तो सर्कल जो है वो हम ऐसे उल्टा सी लिखेंगे तो बन जाएगा। और थोड़ा सा सर्कल जो है स्केयर के पीछे है। सबसे आगे यहाँ हमारे पास ट्रायंगल है, फिर स्केयर है और फिर सर्कल है, और ये आ गया हमारा बैकग्राउंड। इस तरह से ये आपने कंप्लीट करना है। पेज नंबर फाइव में हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है, पहले से बना है, उसके पीछे सर्कल भी पहले से बना है। हमें एक रेक्टेंगल शेप और एक स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम ऐसे रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, बाकी की इन दोनों के बैक साइड पे है, और यहाँ से थोड़ा सा हाइट लेके इस तरह से एक स्क्वायर शेप भी कंप्लीट करेंगे, और ये आ गया बैकग्राउंड लाइन। इस तरह से सबसे पहले हम इस पे ब्लैक स्केच की आउटलाइन करेंगे, उसके बाद आज मैं आपको कलर करना सिखाऊंगी। देखिए, जैसे ये मेरे पास पेज नंबर फोर पे ट्रायंगल है और इसमें शेडिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं ब्लैक स्केच की आउटलाइन करूँगी इस तरह से। और फिर इसको सेंटर मान के हम इस तरह से लाइंस लगा लेंगे कुछ ऐसे, और फिर एक एक लाइन को हमने अप एंड डाउन में ऐसे भरते जाना है। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, आप आराम आराम से करेंगे, तभी हमारी जो कलर्स की डायरेक्शन है वो एक ही साइड को आती है। इस तरह से ये देखिए जहीं कहीं अगर बीच में छूट जाए तो आपने कंप्लीट कर। वैसे ही हम स्क्वायर की भी आउटलाइन करेंगे, इसमें अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं। जो सर्कल है हमारा, उसमें हम इस तरह से स्लाइडिंग में करेंगे। बैकग्राउंड में स्काई ब्लू है, राइट टू लेफ़्ट ही करना है, क्योंकि ये इस तरह को लेंथ वाइज ज़्यादा है, और नीचे डार्क ग्रीन है, तो वो भी आपने इस तरफ को ही करना है इसी डायरेक्शन में। वैसे इसके सेम यहाँ भी हो जाएगा, जो हमारा सर्कल आएगा वो स्लाइडिंग शेप में ही, इसकी स्लाइडिंग साइड को ही इसकी कलरिंग रहेगी, और जो हमारा ये रेक्टेंगुलर शेप है इसमें लेफ़्ट टू राइट रहेगी। बैकग्राउंड भी सेम इसी की तरह ही जाएगा। बैकग्राउंड में नीचे लाइट ग्रीन है, ऊपर येलो है, और ये जो कलर है बेटा, आप इसको ऑरेंज करेंगे, इसको आप ब्राउन करेंगे, येलो यहाँ आ जाएगा, और डार्क ब्लू यहाँ है। ठीक है, तो करिए शाबाश ये पेज।